हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी देखे होंगे, तो उसी सीरीज़ में मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये चीज़ को यूज़ करके आपकी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है काफ़ी हद तक ईजी हो सकती है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो कैमेरिला करके जो टेक्निक है या कैमेरिला इक्वेशन के बेस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी यूजफुल हो सकती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पास्ट में कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले कैमेरिला के ऊपर बनाया था, और उसके अंदर मैंने बताया था कि कैमेरिला कैसे वर्क करता है, उसका क्या इक्वेशन है, किस तरीके से उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। उस समय मैंने उसके अंदर सिर्फ इक्विटीज़ के बारे में बताया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैमेरिला इक्वेशन के बेसिस पे आप एनएसई मतलब निफ्टी और निफ्टी की स्क्रिप्ट, इक्विटीज़ कैश मार्केट के अंदर, और एमसीएक्स कमोडिटीज़ के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को नाम दिया है सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसका मीनिंग होता है ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड नहीं है, आपका सिर्फ एक बटन क्लिक करके आप कंफर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में प्लेस हो सकता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपका अकाउंट जो है वो जीरोदा के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसके डिटेल्स में जाता हूँ। उसके पहले जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट का फाउंडर हूँ, उसका ओनर हूँ। तकरीबन 8 से 9 साल पहले मैंने इस वेबसाइट को शुरू किया था, जिसका एक ही मकसद है कि इंट्राडे ट्रेडर्स की हेल्प करना, और जो फ्रेशर्स जो नए आते हैं मार्केट में, जो न्यू कमर्स होते हैं जिन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है ट्रेडिंग के बारे में, उनके लिए सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल करवाना वेबसाइट पे या सफिशिएंट टूल्स अवेलेबल करवाना वेबसाइट पे, जिससे उनकी ट्रेडिंग ईजी हो सके। इसके अलावा मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, और इसी वजह से मेरी पूरी वेबसाइट जो है वो मैंने खुद ने डेवलप करी है, और जो ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये भी मेरी खुद की डेवलप करी हुई है। साथ ही मैं यूट्यूब का चैनल पार्टनर हूँ। आप जो इस यूट्यूब चैनल को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये डेफिनेटली मेरे यूट्यूब पे ही है आप जो देख रहे हो, तो मैं यूट्यूब का चैनल पार्टनर हूँ। साथ में एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जीरोदा का मैं मुंबई पार्टनर हूँ, मुंबई बिजनेस पार्टनर हूँ मुंबई डिवीजन का, साथ ही साथ उनका ऑल ओवर इंडिया प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। तो ये जो मैं सेशन आपको बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास में जीरोदा का अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको अगर जीरोदा का अकाउंट ओपन करवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मेरे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, या इस ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल कर सकते हैं। नीचे लास्ट में मेरी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, जो कि कम्प्लीटली फ्री वेबसाइट है। 95% ऑफ द कंटेंट्स फ्री है, 5% कंटेंट्स पेड है, जो कि प्रीमियम यूजर्स के लिए रहते हैं, लेकिन वो 5% कंटेंट्स भी उन लोगों के लिए फ्री हो जाते हैं जो मेरे अंडर में जीरोदा अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो ये तो था मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। देखो, जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं कैमेरिला को लेकर, तो उनको मैं बता दूं कि कैमेरिला एक्चुअली क्या है, कैमेरिला कॉन्सेप्ट क्या है। कैमेरिला का कॉन्सेप्ट बोलता है ये बेसिकली 4 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम करता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बाय एट, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बाय एट लो सेल एट हाई, और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो बाय एट ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट लेवल हम डिसाइड करते हैं और एक ब्रेकडाउन लेवल डिसाइड करते हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो एक लेवल के नीचे फिर हम फिर से सेल कर देते हैं उसको, क्योंकि वो हमारे लिए ब्रेकडाउन हो जाता है। उसी तरीके से अगर बहुत ऊपर जा रहा है तो एक लेवल होता है जिसको हम ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं, उस लेवल के ऊपर फिर हम उसको बाय कर देते हैं। ये टेक्निक बहुत सदियों पुरानी है और सदियों से चली आ रही है और सक्सेसफुल टेक्निक है, इसको आज तक कोई कम्प्लीटली फेल नहीं कर पाया है। आपकी दूसरी टेक्निक्स को ऑपरेटर्स मैनिपुलेट कर पाते हैं, लेकिन इस टेक्निक को इतना इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नो डाउट कि इसमें मैनिपुलेशन होते हैं, इस टेक्निक में भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन आज तक ये टेक्निक काफ़ी सक्सेसफुल रिटर्न्स दे चुकी है। ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा इसका हिट रेशियो या एक्यूरेसी बैठती है इन मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि बाय एट लो सेल एट हाई, बाय एट ब्रेकआउट सेल एट ब्रेकडाउन। अभी मैं जो आपको इसके अंदर बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कैमेरिला ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी है, वो मेरा इस वीडियो का मोटिव नहीं है। मेरा इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप
मेरे इस टूल को यूज़ करके अपना ट्रेडिंग टाइम कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से आप इसको काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटेड का रूप दे सकते हैं। सेमी ऑटोमेटेड का मीनिंग होता है कि आपको कुछ चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करते हो आपके मशीन पे और उस तरीके से आपकी ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ऑर्डर प्लेस करेगा आपसे, लेकिन कंफर्मेशन लेके ऑर्डर प्लेस करेगा। इसके लिए इसको बोला गया है सेमी ऑटोमेटेड, ये फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि मेरा जो ये टूल है सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का, ये बेसिकली NSE और MCX के लिए है। और फिलहाल एज ऑफ डेट, जबकि आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट है 27 नवंबर, तो आज तक मेरे पास ये दो टूल है जो कि सेमी ऑटोमेटेड मोड में है। आगे जाके और भी काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्टली NSE और MCX स्कैनर की तरफ ले जाता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। आपको आपको जाना है आपके ब्राउज़र पे। मैं आपको मेरा ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसको फिर से एक बार ओपन करके आपको बताता हूँ। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, pivottrading.co.in या pivottrading.net भी आप टाइप कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NSE स्कैनर जो लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर ऑटोमेटेड टूल को स्कैनर के अंदर डाला हुआ है ताकि ये, या तो आप इसको एज अ स्कैनिंग टूल भी यूज कर सकते हैं या एज अ सेमी ऑटोमेटेड मशीन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप NSE में कैमरीला यूज करना चाहते हैं तो NSE के अंदर जाइए, NSE स्कैनर्स के अंदर, वहां पे आपको दिखेगा एडवांस कैमरीला स्कैनर, आप यहां पे जाइए। जब आप यहां पे जाते हैं तो आपको इस तरीके का ये स्कैनर लोड होगा। अब ये स्कैनर के अंदर आप देखिए, यहां पे आपको इंट्रोडक्शन पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप यहां पे हाउ टू यूज पे क्लिक कीजिए, तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको थोड़ा डिटेल में राइटिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे यूज करना है। और इसी चीज को मैं अभी आपको यहाँ पे वर्बली और वीडियो विजुअली आपको समझाऊंगा। साथ में अगर आपको जीरोधम अकाउंट ओपन करवाना है तो आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बाद में कि इसको आप कैसे जीरोधम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं मेरे अंडर में। तो ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है, कैमरेला इक्वेशन बेस्ड स्कैनर सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यूजिंग द जीरोधा। तो इसके लिए जीरोधा अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो भी आप इस पेज को यूज कर सकते हो, लेकिन एज अ स्कैनर ही यूज कर सकते हो, आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे, खाली आप इसको वॉच कर सकते हो। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो आप इसको एक्चुअली में एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैमरेला के अंदर जो होते हैं 8 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिनका नाम होता है H3, H4, H5, H6 और L3, L4, L5, L6। अब इसमें करना क्या होता है कि मैं आपको वापस इस प्रेजेंटेशन की तरफ एक बार लेके आता हूं। ये देखिए, अगर आपको ये जो यहां दिख रहा है चीज, आप यहां पे देखिए जो है H3 के ऊपर लिखा हुआ है गो शॉर्ट और H4 के ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग ब्रेकआउट। उसी तरीके से L3 के नीचे लिखा हुआ है गो लॉन्ग, L3 पे लिखा हुआ है गो लॉन्ग और L4 पे लिखा हुआ है L3-4 के नीचे शॉर्ट ब्रेकआउट। मतलब ये जो लेवल 3 है यहां से शॉर्ट करना है और अगर इसके ऊपर L4 के ऊपर चला जाता है तो लॉन्ग करना है। उसी तरीके से L3 जो नीचे का लेवल है गो लॉन्ग का, अगर वो टच होता है तो वहां से आपको बाय करना है, और अगर L4 का लेवल टूट जाता है, अगर उसके नीचे प्राइस जा रही है तो आपको सेल करना है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि भाई H3 शॉर्ट होता है, L3 बाय होता है और H4 लॉन्ग ब्रेकआउट हो गया और L4 शॉर्ट ब्रेकआउट हो गया। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो ऑरेंज कलर्स में जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रही है वो टारगेट है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है मतलब आपको वहां पे बाय करना है, जो रेड कलर में जो दिख रहा है वहां पे आपको सेल करना है। ए सिंपल ये है। अगर आप लेवल्स को याद नहीं भी रख सकते तो ये कलर कॉम्बिनेशन याद रख लीजिए कि ग्रीन कलर का मीनिंग होता है बाय करना है, रेड का मीनिंग होता है सेल करना है, ऑरेंज का मीनिंग होता है कि यहाँ पे हमारा टारगेट है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट ग्रुप के अंदर अलग अलग स्क्रिप्ट कैटेगरी लिखी हुई है। सपोज किसी को निफ्टी 50 के अंदर काम करना है, किसी को निफ्टी मिड कैप में काम करना है, किसी को FNO में काम करना है, तो आप यहाँ से वो स्क्रिप्ट वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए तो आपका ये
इस तरीके से उस पर्टिकुलर सेक्शन की जो स्क्रिप्ट है ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 हमेशा ओपन होता है। अब देखो यहाँ निफ्टी 50 के 50 स्क्रिप्ट के अंदर सारे लेवल्स आ गए, तो ये सारे के लेवल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, आपको कुछ टाइम नहीं स्पेंड करना है। पूरे 50 स्क्रिप्ट के लेवल्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो आपका कितना सारा टाइम बच जाएगा स्कैनर को यूज करने पे। ये एडवांटेज नंबर वन। एडवांटेज नंबर टू क्या है आपके लिए कि अभी सपोज इसके अंदर देखिए ये जो हाईलाइटिंग वाला आपको जो वेव करके ब्लिंकिंग जो आपको आइकन दिख रहा है, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड जो दिख रहे हैं यहाँ पे हर लेवल, किसी किसी लेवल्स के यहाँ पे ब्लिंकिंग साउंड, अभी क्योंकि मार्केट बंद है इसके लिए सारे एक ही कॉलम सारे टारगेट के वहां पे ब्लिंक कर रहे हैं, बट अदरवाइज जब आप इसको लाइव मार्केट में ओपन करेंगे तो ये ब्लिंकिंग का मीनिंग होता है कि जो लेवल पे वो ब्लिंक कर रहा है मतलब वो लेवल जो है एलटीपी के पास में है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये 485 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये 485 जो है ये एलटीपी के बहुत पास में है, इसके लिए इसको ब्लिंक कर रहे ताकि आपका ध्यान इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की तरफ जाए, इस पर्टिकुलर लेवल की तरफ जाए, तो आपका ये टाइम भी बच जाता है कि आपको मैन्युअली सारे ढूंढना नहीं पड़ता। सबसे पहला एडवांटेज आपका टाइम बचता है कि आप कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम नहीं बिगाड़ना। दूसरा, आपने कैलकुलेट कर भी लिया लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट कौन से लेवल पे चल रही है? एज अ मैन्युअल एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक या दो स्क्रिप्ट या ज्यादा में ज्यादा 5 स्क्रिप्ट को आप ट्रैक कर सकते हो, आप 50 स्क्रिप्ट निफ्टी की नहीं ट्रैक कर सकते। इसके लिए ये जो हाईलाइटिंग वाला जो मैंने एरिया यहाँ डाला है इससे आपको पता चलेगा कौन सी स्क्रिप्ट कौन से लेवल के पास में आ रही है। सपोज आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है या आपने यह डिसाइड किया हुआ है कि भाई H3 का यहाँ मुझे सेल करना है, आपको लग रहा है आज मार्केट थोड़ा बेरिश है और आपको लग रहा है कि भाई आज शॉर्ट साइड में ही हमें बैठना चाहिए, तो हमें पता है कि L3 लाल वाला जो ब्लॉक है मतलब उस ब्लॉक के अंदर अपने को सेल करना है। तो जो भी रोज के अंदर जो भी स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके की फ्लैशिंग दिखाई देगी आपको रेड ब्लॉक के अंदर, तो समझ जाइए कि वहां पे अभी सेल का लेवल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये एक तो हाईलाइटिंग पॉइंट नंबर एडवांटेज नंबर टू क्या होगा कि हाईलाइट करने से आपको पता चलता है कि कौन सी स्क्रिप्ट अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में आ गई है, तो आप उसमें एक्टिव हो जाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एडवांटेज नंबर टू। अब एडवांटेज नंबर थ्री आपकी लाइफ और इजी कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, सपोज आपको आपके पास जीरोदा का अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे, जीरोदा के में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वहां पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, फिर वहां पे उसकी प्राइस देखेंगे, फिर उसमें बाय का डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, वो सब करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए वो टास्क बहुत सिंपल कर दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपको ये शॉर्ट एच सेल जो H3 लिखा है इसके ऊपर सपोज आपको टेक महिंद्रा को सेल करना है, ये 493 के ऊपर, ये लेवल तो मालूम पड़ गया आपको ऑटोमेटिकली। अभी आपको सेल करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ बटन दबा दीजिए सेल का, डायरेक्टली ये विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको इस तरीके की स्क्रीन आएगी, लॉग इन विथ काइट टू pivottrading.net सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। आपको अपने जीरोदा के क्रेडेंशियल से लॉग इन करना है, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है मुझे, आपको कंप्लीटली फ्री है ये, तो आपको ये फ्री में चीज मिल रही है। आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद में आपको जो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एंटर करके इस तरीके से आपको लॉग इन करना है, और ये आपने जब लॉग इन कर दिया तो आपको डायरेक्टली ये प्लेस योर ऑर्डर के स्क्रीन पे ले जाएगा। तो सीधा आपके यहाँ देखिए ये ऑर्डर आ गया, सेल करना है मुझे, टेक महिंद्रा सेल करना है। यहाँ पे जैसे ही आपको दिख रहा है सेल दिख रहा है आपका, सीधा प्लेस योर ऑर्डर में सेल आ गया, आपका टेक महिंद्रा स्क्रिप्ट सिलेक्ट होके आ गया। अब क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए आपको यहाँ पे एलटीपी जो है वो जीरो दिख रहा है, लेकिन अब जब लाइव मार्केट में करेंगे तो आपको लाइव एलटीपी यहाँ नजर आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्वांटिटी 3 क्यों दिख रही है, और यहाँ पे आपकी प्राइस आ जाएगी जो हमने हमारे यहाँ पे जो दिख रही थी 493.2 ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ गई, लिमिट ऑर्डर हमें डालना है। तो आपको ये सारा चीज मैनुअली डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बटन दबाया तो आपका काम हो जाएगा। आपने यहाँ पे प्लेस किया तो ये कंफर्मेशन चेक करके आपका डायरेक्टली ऑर्डर आपके अकाउंट में प्लेस कर देगा। अभी ये इसलिए क्योंकि बता रहा है क्योंकि मार्केट अभी बंद है इसलिए मैसेज दिखा रहा है एडेप्टर इज डाउन। ठीक है, अभी उसी तरीके से जैसे ये जो लाल वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे आपको सेल करना है, तो सेल करना है तो इसका कोई ना कोई स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। तो जब आप सेल दबाएंगे तो आपका ये सेल का विंडो ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको प्राइस आ गई टेक महिंद्रा, ये प्राइस में सेल करना है। अब आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप नीचे स्टॉप लॉस पे क्लिक कीजिए, तो स्टॉप लॉस के अंदर देखो वो एक SLM ऑर्डर लगा दिया उसने, 500.95 का स्टॉप लॉस ऑर्डर है, और बाय कर दिया, बाय का ऑर्डर लिखा दिया। तो ये कैसा आया 500.95 कैसा आया,
वो इस तरीके से आया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस एट H4। तो ये H4 देखिए, H4 में 500.95 लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारे लिए ये वाला जो लेवल है वो स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। तो ये एक सिंगल दो क्लिक से आप पूरा एक ट्रेड बना सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे किसी वजह से आपको कुछ चीज चेंज करनी है, आपको सपोज इस प्राइस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है या आपको कुछ और चेंज करना है, तो आप यहाँ पे ये जो पेंसिल वाला मार्क है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको लिमिट से कुछ और कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, या आपको इसमें इसको और बढ़ाना है घटाना है प्राइस को तो वो आप कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपको इमीडिएट या कैंसिल है, जो भी करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो आपका ये ऑर्डर भी मॉडिफाई करवा सकते हो आप, बट आपका ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर। सिमिलरली सपोज आपका ब्रेकआउट बाय के ऊपर हाईलाइट हो रहा है सपोज, तो आप यहाँ ब्रेकआउट बाय पे क्लिक कीजिए तो आपका बाय ऑर्डर होगा 500.95 के ऊपर। तो ये लेवल के ऊपर बाय हो गया। सपोज अभी 500.95 नहीं चल रहा है, अभी 500.95 से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, तो हमें 500.95 के ऊपर जाएगा तभी बाय करना है। तो आप यहाँ पे चेंज करवा लीजिए इस ऑर्डर को, इसको लिमिट से आप बना दीजिए SLM, और यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस में डाल दीजिए 500.95, तो वो भी आप कर सकते हो। या फिर अगर प्राइस 500.95 के ऊपर जा चुकी है तो आप वापस 500.95 रख दो, ताकि आपका वो लेवल जब वापस नीचे आएगा थोड़ा सा तो आपका बाय हो जाएगा। या फिर आप इसको चेंज करके, भैया 500.95 का ऑलरेडी ऊपर निकल गया है तो आपको इसको मार्केट करके बाय करना है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे बाय करना है, तो आप मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ये प्लेस कर दीजिए ऑर्डर, तो ये फिर से वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। तो आपका जो मैनुअल जो प्रोसेस है पूरा, वो आपका पूरा बच जाएगा, उतना टाइम आपका बच जाएगा। अगर सपोज आप बिजी हैं, आप नौकरी वाले हैं, आपको धंधे वाले हैं, आपको 10 बजे तक मार्केट में रह सकते हो या 11 बजे तक रह सकते हो, और आपको मालूम है कि कैमरिला बहुत अच्छा चलता है इस पर्टिकुलर, सपोज आपने चार फेवरेट स्क्रिप्ट है, आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट है सपोज टेक महिंद्रा, TCS, इंफोसिस, और आपको मालूम है कि ये कैमरिला इन चार या तीन स्क्रिप्ट के ऊपर अच्छा चलता है, तो आप सुबह ऑफिस जाने के पहले या आप सुबह सुबह के मॉर्निंग आवर्स में क्या करना है, आपको सारे कैलकुलेट लेवल्स कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेटेड लेवल्स दिखेंगे। आप सीधा बटन दबाइए, आपका यह ऑर्डर स्क्रीन आ जाएगा, आप प्लेस कर दीजिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मार्केट में। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इस टूल को यूज कर सकते हैं, अपना ट्रेड सेमी ऑटोमेटेड के मोड में डाल सकते हैं। अब जो ऑरेंज वाला चीज दिख रही है, अभी सपोज आपने बाय तो कर लिया, अब उसके बाद आपका टारगेट के पास में प्राइस आ गई, हाईलाइट करना चालू कर दिया इधर। सपोज ये जो ग्रीन हाईलाइट, ये भी यहाँ टारगेट के यहाँ हाईलाइट हो रहा है, ये कि इधर ब्रेकआउट के टारगेट के ऊपर हाईलाइट हो गया, तो आप वहां पर सीधा टारगेट बटन दबाएंगे तो आपको सीधा ये सेल मोड में आ गया, क्योंकि ये जो है ये ब्रेकआउट का टारगेट है, मतलब बाय साइड का टारगेट है, तो आपको डेफिनेटली सेल ही करना पड़ेगा, तो आपका वो ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो सीधी वो प्राइस पॉपुलेट हो गई विथ ऑलरेडी क्वांटिटी एंड एवरीथिंग, तो आपका डायरेक्टली प्लेस कर दीजिए, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे भी टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पूरे सिस्टम को यूज कर सकते हो। अब मैं इसका हर एक कंपोनेंट बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आप कॉन्फिगर कर सकते हो और क्या क्या इस सब का मीनिंग है। देखो लेवल्स का मीनिंग तो आपको मेरा एक पुराना वीडियो है कैमरेला के लिए, आप वो देख सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो लाल वाले हैं सेल करना है, ग्रीन वाले हैं बाय करना है, ऑरेंज वाला टारगेट है। तो H3 के ऊपर जब आप सेल करते हो तो आपका टारगेट जो है सेंटर वाला जो है ना, ग्रीन वाला, वो सॉरी ऑरेंज वाला सेंटर वाला जो है ये आपका टारगेट बन जाता है। अगर आप बाय करते हो L3 के ऊपर, L3 पे, तो आपका सेम यही टारगेट बन जाता है सेंटर वाला। अब देखो बड़े आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बीच के तीन कॉलम्स जो है, शॉर्ट सेल H3, टारगेट और लॉन्ग बाय L3, ये तीनों को एक ब्लैक बॉर्डर के अंदर डाला हुआ है। ये देखिए ये सारे तीन कॉलम जो है ब्लैक बॉर्डर के अंदर है। इसका मीनिंग ये है कि ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो लिमिट है वो इसी तीन ब्लॉक के अंदर है। मतलब अगर आपने H3 पे सेल किया, मतलब ये वाले लेवल पे लाल ब्लॉक पे सेल किया, तो ये आपका टारगेट है। अगर आपने ये ग्रीन वाले ब्लॉक पे बाय किया तो आपका ये सेंटर वाला टारगेट है। मतलब टारगेट दोनों के लिए सेम है, चाहे आप यहाँ पे सेल करिए या यहाँ पे बाय करिए, आपका टारगेट यही है। अब ये मत पूछिएगा मुझसे कि टारगेट कैसे आया, कैसे लेवल कैलकुलेट किया, वो सब चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है। आप आम खाइए एक गुठलिया, क्या बोलते हो कहावत के, आम खाइए गुठलिया क्यों गिनना चाहते हैं। तो वही है, आप रेडीमेड टूल है, इसको यूज कर सकते हो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी इससे। अब उसी तरीके से आप देखो L4 के ऊपर अगर आप सेल कर सॉरी L4 के नीचे आप सेल करते हो तो ये आपका टारगेट है, टारगेट वन और टारगेट टू। अगर आप बाय करते हो यहाँ पे L4 H4 के ऊपर, तो ये आपका टारगेट वन और ये आपका टारगेट टू है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेसमेंट करके अपना काम कर सकते हो और अपने ट्रेड को ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड मोड में डाल सकते हो।
हाँ, अब अगर आपको सपोज ऑर्डर कैंसिल करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने काइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब सपोज मैं यहाँ पे काइट पे लॉगिन करता हूँ, kite.zerodha.com। ये काइट पे लॉगिन हो गया, मेरी ऑर्डर बुक में जाके देख सकता हूँ। ये देखिए जो मैंने टेक महिंद्रा के ऑर्डर डाले थे, देखो मेरे यहाँ ऑर्डर बुक में आ गए। और यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि सारे रिजेक्ट हो गए, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट बंद है। ओके, तो यहाँ से अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको आपके काइट में आके कैंसिल करना पड़ेगा। वो कैंसिल की फैसिलिटी फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि जीरोधा उस तरीके की चीज़ अभी देता नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इसको आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बना सकते हो, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टर्मिनल बना सकते हो, सेमी ऑटोमेटेड सॉरी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरे सिस्टम की ये है कि आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप एक अमाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो या एक क्वांटिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सपोज आपको आपके पास आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है लाख, 2 लाख, 50 लाख भी हो, पर एक छोटे मोटे ट्रेडर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सपोज 50,000 आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो जीरोधा आपको 50,000 के ऊपर 11 टाइम्स लिमिट देता है, तकरीबन 5.5 लाख। तकरीबन सारी स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं मिलता 11 टाइम्स, बट जो निफ्टी 50 उस पर तो 11 टाइम्स मिल ही जाता है। तो आपके पास 5,50,000 की लिमिट है इंट्राडे के अंदर। तो अभी आपको प्लान करना है, अभी आपको आपकी कैपेसिटी है कि मेरे को दिन में 10 सौदे ही करना है। तो आप 10 ऑर्डर्स को डिवाइड कर दीजिए 5,50,000 को, तो हर एक का कितना होता है, 55,000 रुपया। तो आप यहाँ पे लिमिट सेट कर दीजिए 55,000 रुपया, और यहाँ पे आप इसको सेव दबा दीजिए। जब आपने इसको सेव दबा दिया तो इस सिस्टम ने आपका ये डिटेल सेव कर ली कि आपकी लिमिट क्या है, 55,000 रुपया। अब इसमें एडवांटेज क्या है, सारे ऑर्डर जो भी है आप प्लेस करेंगे, हर एक में आप 55,000 का ही मार्जिन यूज होगा। कैसे? अब देखो मैंने 55,000 डाला, टेक महिंद्रा का शेयर कितना है, 515, मतलब तकरीबन 55,000 के अंदर मेरे 515 के अंदर कितने शेयर्स बाय हो सकते हैं, या सॉरी ये 500 रुपया है तो मेरे कितने शेयर्स बाय हो सकते हैं, 55,000 डिवाइड बाय 500 करना है तो तकरीबन 113 शेयर्स मेरे बाय हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो आपको ये सब मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ट्रेड को ऑटोमेटेड कर सकते हो, सेमी ऑटोमेटेड मोड में डाल सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेड पेज को यूज करके। तो यहाँ पे ये यह आ गया। अब सपोज आपका TCS है, TCS का 2300 का भाव है, तो ठीक है 55,000 के अंदर कितने शेयर आएंगे देख लेते हैं, 24 शेयर आएंगे, तो आपका 24 से ही क्वांटिटी बताएगा। तो आपको सिर्फ एक बार अमाउंट डालना है यहाँ पे कि आपकी इतनी कैपेसिटी है, और सारे ऑटोमेटिकली बटन्स आपके हिसाब से बन जाएंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका अपने पूरे सिस्टम को कॉन्फिगर करने का। दूसरा तरीका, सपोज आपको अमाउंट से नहीं करना है, आपको वही बोलना है कि भाई मुझे हर एक क्वांटिटीज में भाई हमेशा 50 क्वांटिटी ही बाय करना चाहता हूँ हर एक सौदे में, तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे आप जाके 25 क्वांटिटी, सॉरी 50 क्वांटिटीज आप डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। तो अब ये 50 क्वांटिटी आपकी सेव हो गई। अब आप जब यहाँ पे बाय और सेल पे क्लिक करेंगे कोई सी पे भी, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा के लिए 50 ही रहेगी। तो अब जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सपोज इस ब्रेकआउट बाय के ऊपर टेक महिंद्रा के, तो देखो यहाँ पे 50 क्वांटिटी पॉपुलेट हो गई। इसी तरीके से सपोज अगर मैं SCL टेक्नोलॉजीज का करता हूँ, किस कोई भी आप ले लीजिए वो हमेशा बाय डिफॉल्ट 50 क्वांटिटी ही सेट करेगा। तो आप इस तरीके से अपना ट्रेडिंग सिस्टम भी कॉन्फिगर कर सकते हैं। अगर कभी किसी वजह से ये सिस्टम, अगर आपका ये अगर सपोज इस तरीके से जैसे अपने क्लिक करने पर अगर ये पॉपुलेट ना हो, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश बटन दबा दीजिए, ये पेज पूरी तरीके से वापस से रिफ्रेश होगा और ये वापस सारे बटन्स फिर से एनेबल, एक बार एनेबल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके करने के बाद में ये आपका इस तरीके से, जैसे ही मैंने दबाया और मेरा पॉपअप लोड होने के बजाय इस तरीके से पेज रिफ्रेश हो गया। तो आपको क्या करना है, पूरा पेज लोड होने के लिए आप वेट करिए, ये पेज पूरा लोड हो जाए उसके बाद में आप इस पट्टी इन पर्टिकुलर बटन्स को क्लिक कर सकते हैं। तो पेज को पूरा एक बार लोड हो जाना चाहिए, देखो एक बार सर्कल घूमना बंद हो गया तो पेज पूरा लोड हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर ये क्लिक करूंगा तो इस तरीके का ये पॉपअप विंडो आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बस एक बार पेज पूरी तरीके से लोड हो जाए उसके बाद में आप इस सिस्टम को यूज कीजिए, घाईबाजी में आप बटन क्लिक करेंगे तो पेज सिर्फ रिफ्रेश होगा वापस से, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो ये तो हो गया आपका अमाउंट आपने कॉन्फिगर कर दिया और क्वांटिटी कॉन्फिगर कर दी। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अमाउंट जो है वो आपका हाइयर प्रिसिडेंस पे रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। तो सपोज आपने यहाँ पे 5,000 रुपीज डाला और क्वांटिटी 50 डाला और आपने बोला सेव, तो आपका अमाउंट ही लेगा, क्वांटिटी वो जीरो कर देगा। अगर आपको क्वांटिटी सेट करनी है तो आपको पहले अमाउंट जीरो करना पड़ेगा, आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं रख सकते। अगर दोनों चीजें रखेंगे तो वो सिर्फ अमाउंट को कंसीडर करेगा और ऑर्डर क्वांटिटी को जीरो सेट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे देखिए ये किया है तो 5,000 इसने लिमिट सेट करी, तो 5,000 में टेक महिंद्रा के 10 शेयर ही आ सकते हैं, तो 10 शेयर यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस टूल को। ये तो हो गया इक्विटी का पूरा सेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कमोडिटीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, और कमोडिटीज के अंदर तो बहुत बेहतरीन चलता है ये, इसके लेवल्स कैमरी लाके काफी बेहतरीन चलते हैं। नो डाउट कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, वो तो देखिए पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट होना पार्ट ऑफ गेम है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो आपको कमोडिटी यूज करने के लिए क्या करना है, देखिए सेकंड रो में एमसीएक्स स्कैनर लिखा हुआ है मैंने, वहां पे आपको दो है, ओपन हाई लो है और एक एडवांस कैमरेला। आपको एडवांस कैमरेला में जाना है। एडवांस कैमरेला में आप जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको सारी कमोडिटीज जो एक्टिवली ट्रेड हो रही है अभी, वो सारी कमोडिटीज के आपको लेवल्स आ जाएंगे, कैमरेला लेवल्स। अब इसके अंदर आपको बड़ा लॉट, छोटा लॉट, मिनी लॉट, बड़े लॉट, सबके लेवल्स आ जाएंगे। तो जैसे ये देखिए मिनी का है, सिल्वर मिनी, ये सिल्वर माइक्रा है, ये नवंबर का है, ये नवंबर महीने का है, इन दोनों के लेवल्स आपको सेम ही नजर आएंगे, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बदल जाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट बाय पे क्लिक किया सपोज, तो यहाँ पे सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट आया है। उसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिल्वर माइक्रा का कॉन्ट्रैक्ट आया है। तो आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी क्या बोलती है उसके हिसाब से आप जो कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करना है वो ऑप्शन है। देखो कॉपर के अंदर ये बड़ा वाला कॉपर है, ये छोटा वाला कॉपर है, कॉपर एम, आपको ये ध्यान रखना है आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। तो इस तरीके से निकल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सारों के लेवल्स दिए हुए। और आप जब मार्केट ओपन होगा तो अभी क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए हमेशा सेंटर में ही हाईलाइट करेगा टारगेट में, लेकिन जब मार्केट ओपन होगा तो बेस्ड ऑन एलटीपी, जो भी आपकी यहाँ एलटीपी चल रही होगी वो एलटीपी कौन से लेवल के पास बैठती है वो लेवल आपको यहाँ हाईलाइट होना चालू हो जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्टली बाय और सेल के बटन दबा सकते हो। तो आप कमोडिटी में भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो, और सारे कमोडिटीज अवेलेबल है। एल्यूमिनियम का देखो मिनी लॉट है या मेगा लॉट है, आपने यहाँ दबाया तो ये मेगा लॉट क्या यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। बस आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये जीरोदा और आप पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट को यूज करके अपनी लाइफ बहुत ईजी कर सकते हो। और अगर आपके पास में जीरोदा का अकाउंट नहीं है तो आप मेरे पास ओपन करवा लीजिए, ये तो एक बेनिफिट है। और आज ये कैलकुलेटर फ्री है, हो सकता है मैं इसको कुछ समय बाद शायद सिर्फ अपने जीरोदा कस्टमर्स के लिए ही एनेबल रखूं, तो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है जीरोदा का तो आप मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो आप इस तरीके का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अभी फिलहाल तो कुछ समय तो फ्री ही रहेगा, और मेरे जीरोदा कस्टमर जो मेरे अंडर में जीरोदा है उनके लिए तो डेफिनेटली लाइफ टाइम ये कैलकुलेटर फ्री रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है या हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन जीरोदा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके यहाँ पे ये जो क्विक रजिस्ट्रेशन पेज है यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाला और मैं अपने आप को यहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ, अगर अब क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो शायद डुप्लीकेट मैसेज दिखाएगा, बोल रहा है ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मुझे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑलरेडी पहले रजिस्टर कर दिया है किसी और वेबसाइट के थ्रू या डायरेक्टली या किसी तरीके से, तो आपको अपने फैमिली मेंबर का या ऐसा कुछ ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस यूज करके आप एक बार रजिस्टर कर दीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे इस नंबर के ऊपर जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और मैं आपको व्हाट्सएप पे हेल्प कर दूंगा, व्हाट्सएप बता दूंगा, आगे गाइड कर दूंगा कि क्या करना है आपको जीरोदा में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके लिए बेनिफिट क्या हो रहा है जीरोदा में अकाउंट ओपन करवाने से, एक तो आपको ब्रोकरेज कम लग रहा है, प्लस आप अगर मेरे अंडर ओपन करवा रहे हैं तो आपको मेरे और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे जो दूसरे मेरे पेड प्रोडक्ट्स है वो आपको फ्री मिलते हैं,
या आप जब यहाँ जाएंगे तो मेरे यहाँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं। एडवांस वॉलेटिलिटी फ्री मिलेगा, रियल टाइम मिलेगा, ऑल इन वन मिलेगा, ई मैजिक रोबोट मिलेगा, निफ्टी इक्विटी कमोडिटी स्विंग ट्रेडर। इस सॉफ्टवेयर का आप वीडियो एक बार देखिएगा और इस सॉफ्टवेयर को एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीज़ें है जो आपको बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं कम्प्लीटली आप जब मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवाते हैं। और अगर उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खाली अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया और मुझे पता चला कि उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो मैं आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड सॉफ्टवेयर फ्री में देना बंद कर दूंगा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, प्लस आपको ब्रोकरेज कम लग रहा है। और आप जब यहाँ पे आते हो तो आप समझिए आपका कितना काम इजी हो रहा है, आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इस तरीके से आप ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड मोड के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो पिवोट ट्रेडिंग एंड जीरोदा यूज करके। हो सकता है आगे कहीं और ब्रोकर अगर मुझे कोई और फैसिलिटी दे दे तो शायद मैं और किसी ब्रोकर का भी यहाँ पे वो टूल डाल दूँ, बाय नाउ बाय और सेल के बटन। पर एज ऑफ नाउ ये सिर्फ जीरोदा अवेलेबल करवाता है, तो ये यहाँ पे सिर्फ जीरोदा के बटन आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे आप सिर्फ जीरोदा का ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। कितना सिंपल हो जाएगी आपकी लाइफ, आप इमेजिन कीजिए। आप यहाँ पर सीधा आप बाय और सेल का बटन दबा के आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो ऑर्डर और अपनी क्वांटिटी भी कॉन्फिगर कर सकते हो। आपको बार बार क्वांटिटी भी डालने की जरूरत नहीं, आप एक बार अमाउंट डाल दीजिए, आपका डायरेक्ट कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ये इसी के साथ मेरा ये जो टेक्निकल चीज जो थी इसके अंदर वो खत्म होती है कि भाई सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब एनएससी और एमसेक्स दोनों के अंदर आप कर सकते हो। अब क्योंकि मैं अपने वीडियो में कुछ ना कुछ एक आध चीज और शेयर करता हूँ, तो पिछले कुछ दिनों से जो हमारे देश में चल रहा है, जो मोदी जी ने कमाल का काम कर दिखाया है, तो वो तारीफ करना तो बनता है इस वीडियो के अंदर कि भाई हैट्स ऑफ है मोदी जी को कि इस तरीके का इतना गटफुल काम उन्होंने किया है, इतना जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए इस तरीके की डिसीजन लेने के लिए। और वो तो एक ही शेर है हमारे देश में, असली शेर जो कि मोदी जी है। तो डेफिनेटली मैं उनके तारीफ में, और मतलब मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। तो डेफिनेटली एक तो चीज मैं यही कहूंगा कि प्लीज सपोर्ट मिस्टर मोदी जी। उन्होंने जो स्टेप उठाया, हो सकता है शुरू में कुछ दिन थोड़ी बहुत तकलीफों से हमें गुजरना पड़ सकता है, बट आई थिंक वो हमारे देश के लिए, हमारी आगे की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, टैक्स सिस्टम को, इकोनॉमी को काफी 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 गुना प्रॉफिट करवा देगा, मतलब काफी गुना आगे तक हमें पहुंचा देगा। और आज नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया इस चीज को एडमायर कर रही है कि ये स्टेप लेने के लिए बहुत गट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि मिस्टर मोदी जी के अंदर है। तो हैट्स ऑफ टू मोदी जी। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि शेयर करना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने एक और मिशन किया, लॉन्च किया है काफी समय पहले से, कि मेक इन इंडिया। कोशिश कीजिए इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट को यूज करिए, वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। अगर आप कोई एक्स वाई जेड कंट्री की बनी हुई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है थोड़े बहुत वो कमा लेते हैं, नो डाउट, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपकी अपनी कंट्री से बाहर चला जाता है, जो कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में टैक्स सिस्टम के अंदर कहीं पे भी यूज नहीं होता है और ना ही हमारे भाई बहनों को पैसा मिल रहा है। अगर आप इंडिया में बनी हुई चीजों को यूज करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वही पैसा इंडिया के अंदर सर्कुलेट होगा, तो कहीं ना कहीं से घूम के वही अपने भाई बहनों के अंदर वो पैसा वापस जाएगा। तो मेक इन इंडिया जो है 70 साल के अंदर, ये आइडिया किसी के दिमाग में शायद आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने इस चीज को, बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन उसको इतने अच्छे से हाईलाइट किया है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। नो डाउट सारी चीजें शायद हमें इंडिया में अवेलेबल ना मिले, तो उस चीज के लिए डेफिनेटली वी कैन गो टू सम अदर कंट्री, हमारे पास और बहुत से ऑप्शन है। लेकिन जो चीज अच्छी हमारे कंट्री में ऑलरेडी मिल रही है तो उसके लिए हमें दूसरे कंट्री को पैसा देने की क्या जरूरत है? हमारे देश का डॉलर्स हम वहां क्यों एक्सपोर्ट करवाएं, या हमारे देश का पैसा हम दूसरे कंट्री में क्यों भेजें? तो ये एक और अच्छी चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे व्यूवर्स को, मेरे यूट्यूब यूजर्स को। और ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जैसे मैंने बताया जीरोदा में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और फेमस डिस्काउंट ब्रोकर है फिलहाल इंडिया के अंदर, तो
तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, तो मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कैसे अकाउंट ओपन करना है। तो इसी के साथ मेरा ये पूरा सेशन मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और बस थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस रखे मुझे सुना। और फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक यूज़ करते रहिए सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, अपनी लाइफ ईजी बनाइए। बाय बाय, टेक केयर।